आप जरा इस खबर को पहले देखिए, जिसमें मानेसर की एक महिला को 13 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। जानते हैं क्यों और कैसे? हुआ यूं कि एक दिन इस महिला के पास एक मैसेज से किसी कंसल्टेंसी के थ्रू वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी आई। उन्होंने एज यूजुअल जैसे कोई भी जरूरतमंद करता उसमें अप्लाई कर दिया और उस काम के बदले उनके अकाउंट में कुछ पैसे भी आए। इस तरह काम कुछ दिन चलता रहा। अचानक एक दिन उनको एक टास्क दिया गया कि आपको एक UPI ID में कुछ पैसे डालने हैं, जो उन्होंने किया और लगभग 13 लाख रुपए जमा करा दिए। लेकिन उसके बाद से ही इन जालसाजों का कोई अता पता ही नहीं है। दरअसल वो टास्क एक तरह से ठगी करने का उनका तरीका था, जिसमें वो लोगों को वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांसिंग के नाम पर ठगते थे। ऐसे ना जाने कितने ही लोग हर रोज नए नए तरह की ठगी का शिकार हो रहे हैं, कोई मैसेज के थ्रू, कोई कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू इन साइबर क्रिमिनल्स का निशाना बन रहे हैं। इसलिए आपको भी इन साइबर क्राइम से अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। इंटरनेट की सुविधा और पहुंच होने से हमारा जीवन काफ़ी हद तक आसान हो गया है, लेकिन इसके साथ ही बढ़ गए हैं साइबर क्राइम्स भी, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी और दूसरे तरह के फ्रॉड के काफ़ी मामले बढ़ गए हैं। चोरी और लूट के तरीके बदल गए हैं। अब रोड पर किसी की जेब काटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक कंप्यूटर के थ्रू आप घर बैठे बैठे ही लोगों से हजारों लाखों की ठगी कर सकते हैं। जरा नज़र डालते हैं दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट पर, जिसमें पिछले एक साल में दर्ज किए गए टोटल साइबर क्राइम्स और उनके तरीकों को हाईलाइट किया गया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले एक साल में 1477 FIR दर्ज हुई हैं, और न जाने कितने ही ऐसे लोग होंगे जो पुलिस में यह सोचकर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते कि कौन इन सब चक्कर में पड़ेगा, और अनरिपोर्टेड होने की वजह से इन साइबर क्रिमिनल्स के हौसले और बढ़ जाते हैं और वो पकड़े नहीं जाते। इन 1477 केसेस में से 548 ही सॉल्व हो पाए, यानी 37% की सक्सेस रेट। बाकी केसेस सबूतों या दूसरी चीज़ों के अभाव में सॉल्व ही नहीं हो पाए। जानते हैं इन क्रिमिनल्स की कॉमन मोडस ऑपरेंडी क्या थी, मतलब इनकी ठगी के क्या क्या तरीके थे? जैसे कि ईमेल के जरिए, सोशल मीडिया, ATM, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस स्कैम, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, लॉटरी, लोन, एप्लीकेशन रैंसमवेयर और सेक्सटॉर्शन इत्यादि। यह बहुत ही कॉमन और फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले साइबर क्राइम्स हैं। जैसे कि आप भी देखते होंगे, इस तरह के मेल्स या मैसेजेस या कॉल्स आपको हर रोज आते होंगे। न जाने कितने ही लोग ऐसी धोखाधड़ी का शिकार जाने और अनजाने में हो जाते हैं। इस वीडियो को बनाने के दो मकसद थे, एक तो साइबर क्राइम के बदलते तौर तरीकों से आपको रूबरू कराना, और दूसरा आप सभी को सचेत करना कि किसी भी अनऑथराइज्ड और अननोन इंसान के साथ अपनी कॉन्फिडेंशियल और फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर ना करें, और दूसरों को भी अवेयर करें ताकि किसी के साथ भी ऐसा धोखा ना हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।